आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये मैं फंक्शन गिवन है, इसकी मुझे डोमेन निकालनी। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक रूट गिवन है, मतलब कि ये अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव लॉग 2 एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय लॉग 1 बाय 2 3x माइनस 1, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 भी यहाँ पे आ सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे लॉग वाले फंक्शन है, लॉग वाले फंक्शन मतलब ये अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इन तीनों से जो हमारा नेट, जो हमारा कॉमन रीजन आ रहा होगा, वो आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब तीनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी। तो इन दोनों का मैं तो सबसे सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट, जो हमारा पोर्शन आ गया जो हमें नंबर लाइन पे देखना है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन रीजन तो यही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है तीनों के साथ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आएगा। तो इन दोनों को हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करके एक कंडीशन साइड पे लिख के रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है ये वाला पोर्शन। अब ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, वो कैसे हो सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए हमें log 2 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, बट इसको मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या ले सकता हूँ, दोनों नेगेटिव, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, log ऑफ 1 बाय 2 3x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब ये इनइक्वालिटीज है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे दोनों साइड e की पावर ले सकता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो है log, यहाँ पे वैल्यू क्या है, log टू द बेस में वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एक कंडीशन होती है log टू द बेस a, ये b नंबर अगर ग्रेटर देन x हो, लेट सपोज, तो हम इसको b इज ग्रेटर देन a पावर x। ठीक है, हमने दोनों साइड a की पावर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको तभी लिख सकते हैं जब ये a वाली टर्म जो है a इज ग्रेटर देन 1, ये तभी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर a इज लेस देन 1, तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ये लॉगरिथम का रूल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0 इज 1। ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्योंकि 1 से छोटा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 1 बाय 2 पावर 0, वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 1। एंड यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने ये लिख दिया, बस यहाँ पे क्योंकि साइंस उल्टे थे, बस साइन उल्टे करने थे। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 2 बाय 3। ठीक है, x हमारा 2 बाय 3 से छोटा एंड 3 से बड़ा, और ये हो सकता है या ये हो सकता है दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड यहाँ से x इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या रहा है 2 बाय 3। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब दोनों का यूनियन लेना। अब x हमारा होना चाहिए 3 से बड़ा, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, ये हमारा 2 बाय 3 एंड ये हमारा 3, हमारा 3 से बड़ा मतलब यहाँ से इधर होना चाहिए, एंड 2 बाय 3 से छोटा मतलब यहाँ से इधर, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमारा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर नंबर लाइन बना के देखूँ तो ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 2 बाय 3 आ गया, तो x लेस देन इक्वल टू 3 ये आ गया, एंड 2 बाय 3 से बड़ा अभी हमें चाहिए, तो ये हमारा कॉमन रीजन ये वाला आ गया 2 बाय 3 से 3। देयरफॉर हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 बाय 3 कॉमा 3। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया ये वाला, इससे हमारा ये आंसर आया, एंड इन दोनों पार्ट से ये आंसर आया। अब क्योंकि हमें इन तीनों का जो है इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, तीनों में जो कॉमन आंसर है वो हमारा इसका होगा डोमेन, क्योंकि हमें सारी कंडीशन सैटिस्फाई करनी है, ये भी होनी चाहिए एंड ये भी एंड ये भी एंड है, इसलिए इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और कंडीशन थी, इसलिए दोनों में से जो भी हमारा नेट आंसर आ रहा था। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ नंबर लाइन पे, ठीक है,
तो ये हमारे पास आएगा 2/3, ये हमारे पास आएगा 2, ये हमारे पास आएगा 3, x greater than 2 हमारा ये हो गया, एंड 2/3, 3, और यहाँ पे हमारा रीजन क्या है 2/3 से 3। तो हमारा यहाँ पे कॉमन रीजन लेना है क्योंकि एंड स्टेटमेंट है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो हमारा कॉमन रीजन क्या आ रहा है ये वाला। देयरफॉर हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, डोमेन इज इक्वल टू ये वाला रीजन 2 से 3, 2, 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स क्या लगेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मतलब 3 इंक्लूडेड है, एंड 2 यहाँ पे क्योंकि ओपन है तो इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ओपन इंटरवल एट 2, क्लोज इंटरवल एट 3, 2, 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।